खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, किसान संगठनों ने सरकार के एमएसपी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने कहते हुए प्रस्ताव को खारिज किया है कि ये प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है, सरकार की नियत में खोट है। किसानों ने सरकार से पूरे देश में 23 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग की। एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, इसका मतलब किसान आंदोलन अभी जारी रहेगा और दिल्ली के साथ साथ आसपास के लोग जाम से दो चार उन्हें भी होना पड़ेगा। किसानों ने कहा है कि ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। केंद्र की नियत साफ हो गई है कि केंद्र वार्ता में तो कुछ और बोलता है और बाहर कुछ और करता है। पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक नूं 11 बजे आपां दिल्ली वाल नूं मूव करांगे। तो सरकार का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया, यानी चौथे दौर की वार्ता भी किसानों और सरकार के बीच फेल हो गई है। अब किसान कह रहे हैं कि वो 5 फसलों पर एमएसपी के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे और उन्हें उन सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए जिन पर सरकार पहले से एमएसपी लाती रही है। लेकिन वो 5 फसलें कौन सी है जिस पर सरकार एमएसपी गारंटी को तैयार है और उन्हीं 5 फसलों को ही एमएसपी के लिए क्यों चुना गया? इससे पंजाब हरियाणा के किसानों का क्या हित? जानकार मानते हैं कि 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी से देश के आत्मनिर्भर अभियान को बड़ा बल मिलता। रिपोर्ट आप देखिए। ये प्रदर्शन, ये हंगामा, ये धरना, ये हट, दिल्ली कूच की जिद, ऐसा लग रहा था ये सब थम जाएगा। लग रहा था 48 घंटों की शांति के बाद किसान फाइनली मान जाएंगे और किसान आंदोलन से हट जाएंगे, लेकिन सब धरा रह गया। किसान कह रहे हैं 21 तारीख से फिर से दिल्ली के लिए कूच होगा। चलिए अभी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। केंद्र सरकार ने रविवार को ही बैठक में साफ कर दिया था कि वो 5 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को तैयार हैं। ये 5 फसलें हैं: तुअर दाल यानी अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और 5वीं फसल है कपास। तुअर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। इन 5 फसलों को सरकार की 2 प्रमुख एजेंसियां खरीदने वाली थी। ये दोनों एजेंसियां हैं NCCF यानी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता महासंघ और दूसरी नाफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ये दोनों एजेंसियां सरकार की बताई 5 फसलों पर किसानों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी और उन्हें MSP पर खरीदने को तैयार थी। सरकार का एक बहुत प्रयास है, पॉजिटिव लेना चाहिए, किसानों का इसमें बहुत भला होगा और आने वाले टाइम में हम इसी तरह से दूसरी फसलों में भी हम शुरुआत करेंगे और उससे बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे और दूसरी चीजें भी बनेंगी, इंडस्ट्री भी आएगी। लेकिन सरकार ने इसके लिए शर्त रखी थी, कहा था इसके लिए किसानों को अपनी फसल को डाइवर्सिफाई करना होगा, यानी जिन जगहों पर अभी तक वो गेहूं और चावल जैसी फसलें बो रहे हैं उन जगहों पर अगर वो सरकार की बताई गई 5 फसलों में से कोई फसल बोते हैं तभी उन्हें एमएसपी का लाभ मिलेगा और इस दौरान खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। किसान जितना चाहे उतना उत्पादन सरकार के बताई एजेंसियों को बेच सकते हैं। अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं MSP पर खरीदेगी। यानी नई फसल बोने वाला मसला क्या है और इस शर्त से सरकार को क्या फायदा होगा,
किसानों को क्या फायदा और देश को क्या फायदा होगा, तो इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क हैं। फसल बदलने से कई तरह के लाभ हैं, जैसे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, बंजर होने से जमीन बची रहेगी। हरियाणा और पंजाब जहां पानी की कमी है वहां कम पानी का इस्तेमाल होगा, नई फसल की पैदावार बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ने से आय भी बढ़ेगी। बल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन जमीन बंजर होने से बचेगी, ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो MSP पर नैफेड और NCCF खरीदेगी। पहले किसान राय बनाने में जुटे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले किसान नेता सामने आए। उन्होंने कहा सरकार की नियत में खोट है और उनका प्रस्ताव हम खारिज करते हैं। हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है, देंगे भी नहीं। पीसफुली ढंग नाल 21 तारीख नु 11 बजे आपा दिल्ली वाल नु मूव करांगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका सीधा असर पंजाब और हरियाणा के घटते भूजल स्तर पर पड़ता, जहां पर गेहूं और धान की फसल की सर्वाधिक बुआई होती है। ये दोनों ही फसलों में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर वहां पर अरहर, उड़द, मसूर, मक्का या कपास जैसी फसलों का उत्पादन किया जाएगा तो इन दोनों ही क्षेत्रों में पानी के बढ़ते संकट से कुछ हद तक निपटा जा सकेगा। लेकिन प्रस्ताव खारिज होने के बाद फिलहाल तो ये सारा प्लान अब पाइपलाइन में नजर आ रहा है। अब क्या होगा, वार्ता फिर से होगी, क्या फिर से प्रस्ताव माना जाएगा या फिर किसान आंदोलन नए रूप में नजर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।